भारतीय सेना में हवलदार पद पर तैनात लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहे यूपी के औरैया जनपद के फफूंग थाना क्षेत्र के मुड़ी गांव निवासी अभिनय त्रिपाठी आर्मी में तैनात थे। अभिनव त्रिपाठी की ड्यूटी के दौरान बर्फ से पैर फिसल गया, जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई। आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार देर शाम उनकी मृत्यु हो गई। जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। सेना के जवान का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो परिवारजनों समेत पूरे ग्राम की आंखें नम हो गई। हजारों की संख्या में लोग अभिनव को देखने उमड़ पड़े। हर किसी की आंख नम थी और जवान पर एक ही नारा था, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा अभिनव तेरा नाम रहेगा। फफूंग थाना क्षेत्र के गांव मुड़ी निवासी 39 वर्षीय अनुभव त्रिपाठी सेना में हवलदार पद पर तैनात थे और उनकी नियुक्ति वर्ष 2003 में हुई थी। इस वक्त उनकी तैनाती लेह लद्दाख में थी। परिवारजनों के अनुसार 7 जुलाई को आर्मी यूनिट लेह से उन्हें फोन करके बताया गया कि अनुभव त्रिपाठी लेह की पहाड़ियों पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उनका बर्फ पर पैर फिसल गया और वह वहीं गिर पड़े। उनके सर में काफी चोट आई। साथी सेना के जवान उन्हें आर्मी अस्पताल ले गए, जहां हालत नाजुक देख उन्हें आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू हो गया है। सोमवार देर शाम उन्हें अनुभव के निधन की सूचना मिली। जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मां शांति देवी व पत्नी आरती बिलख कर रो उठी। वही तमाम ग्रामीण भी वहां जा पहुंचे। आज सुबह जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही सेना की गाड़ी से घर पहुंचा तो वहां सभी की आंखें भर आईं। सेना के जवान के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर परिवारजनों समेत सेना के अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुड़ी गांव के रहने वाले सेना के जवान थे, जो कि लद्दाख में तैनात थे। वहाँ उनकी शहादत हुई। भारतीय सेना द्वारा पूरे सम्मान से आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ गाँव पर लाया गया और यहाँ पूरे राजकीय सम्मान के साथ सर। ये राज्य सरकार की तरफ से कोई इनके दुखी परिवार को सांत्वना हेतु कुछ धनराशि के लिए जो भी नियमानुसार होगा, इसमें जो भी व्यवस्थाएँ हैं, सैनिक कल्याण सैनिक कल्याण पर सब होती है, उसके माध्यम से जो भी